हाँ जी, तो अब ये जो संख्या है, ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, जैसे ये जो सवाल था ये साधारण भाषा का सवाल था जिसमें अंकों में ये संख्याएं लिखी हुई थी, एक चर में लिखी हुई थी एक अचर में लिखी थी, ऐसे ही इस सवाल के अंदर भी यही संख्या लिखी हुई है, एक चर में लिखी हुई है एक अचर में लिखी हुई है, एक बिना एक्स वाई वाली भी संख्या इसके साथ में लिखी हुई है। बटे, बटे की संख्या को भिन्न के रूप में जानते हैं हम, बटे की संख्या को भिन्न के रूप में जानते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हल करने का काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से हल करते हैं, हल लेते हैं, हल लेने के बाद में हमें क्या लेना है, दो एक्स बटे तीन। अब हमें देखना है कि दूसरे पद में, यानी कि एक पद तो ये था और एक दूसरा ये है, अब इसमें से दूसरे पद में जो एक्स के साथ में जो संख्या आनी है वो कौन सी संख्या होगी। तो उसमें हमें बराबर के बाद में, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसको इक्वल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके बाद में जो संख्या लिखी हुई है सेवन, यानी कि सात एक्स बटे पंद्रह लिखी हुई है। अब ये संख्या प्लस की है तो इसको हम यहाँ पे कैसे ले आएंगे, माइनस की कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सात एक्स बटे पंद्रह, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इधर प्लस का तीन लिखा हुआ है और इधर प्लस का एक है, अब इसका भी चिन्ह चेंज होगा क्योंकि ये भी अपना ग्रुप ढूंढेगा, तो इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस एक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हल करना है, ये हमारी अब कौन सी बिंदु बन गई, माइनस की बिंदु बन गई, और इधर तीन में से एक गया तो कितने बचे हमारे, दो बचे, कितने बचे, दो बचे। अब इनका दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमें, भिन्न को प्लस की और माइनस की भिन्न सरल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो पंद्रह और तीन का एलसीएम कितना आया, यहाँ हमने एलसीएम निकाला, पंद्रह और तीन का एलसीएम निकाला, तीन का एक बार, पांच बार, पांच का दिया तो एक बार, पांच दिया पंद्रह, यानी कि पंद्रह ही होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, लेकिन गुणा नहीं करना एलसीएम में, एलसीएम में इसको एलसीएम में निकालना होता है। अब ये दोनों संख्याएं आई तीन गुणा पांच, यानी पांच दिया पंद्रह, ये क्या होगा हमारा एलसीएम। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है, तीन का डिवाइड किया हमने इसमें, डिवाइड यानी कि भाग, तीन का भाग देते हैं इसमें कितनी बार जाता है, पांच बार, पांच का हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पांच दूनी दस, दस हमारे क्या हो गए एक्स, माइनस किया पंद्रह का इसमें दिया कितनी बार गया एक बार, सात एकम सात एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है, यानी कि बटे। अब यहाँ पे हमारी कौन सी स्थिति हो गई, वज्र गुणा की स्थिति, कौन सी स्थिति हो गई, वज्र गुणा की स्थिति हो गई। अब वज्र गुणा की स्थिति हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर। तो अब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं, दस एक्स माइनस सात एक्स बराबर, इन दोनों का गुणा करते हैं तो पंद्रह दूना कितने हो गए यहाँ पे तीस। अब देखिए ये समीकरण हमारा पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया, अब इसको हम सरल करते हैं, दस एक्स में से सेवन एक्स गए तो कितने बचे, तीन एक्स बराबर कितना होगा तीस। अब एक्स बराबर हम यहाँ पे करेंगे तो तीस बटा कितना हो जाएगा तीन, और इसका भाग कितनी बार गया इसमें दस, हमारा उत्तर आया एक्स बराबर दस, एक्स बराबर दस, ये हमारा आंसर। ओके।